दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि जो जी सीरीज का जो फोन है सैमसंग गैलेक्सी का S7, S8, S9 और इसके अलावा भी और भी कई मॉडल है, ठीक है। टोटल लगभग 22 मॉडल है। इन 22 मॉडल का अगर आप FRP अनलॉक करेंगे UMT डोंगल से, इसके लिए आपको जो है उस मोबाइल को जो है ऑटोमेटिकली जो है UMT डोंगल के अंदर में आपको रूट करना होगा, ठीक है। तो रूट पैकेज की फाइल जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, उसकी लिंक आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे वीडियो में मैं आपको कि कैसे आपको जो है उन सभी मोबाइल को जो है FRP आपको रिमूव करना है UMT डोंगल से। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि UMT डोंगल का टूल जो है मैंने ओपन कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमें सैमसंग टूल सेलेक्ट करना है। चलिए हम यहाँ पे सैमसंग टूल यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे नीचे में जो है यहाँ पे अल्टीमेट फ्लाशर यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। और यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सैमसंग FRP टूल जो है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कई तरह का ऑप्शन होता है कि यहाँ पे FRP अनलॉक करने का, तो यहाँ पे टूल FRP है। उसके बाद यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि ऑटो रूट है। तो दोस्तों आप यहाँ पे ऑटो रूट आप देख रहे हैं कि ऑटो रूट पे हमने क्लिक किया और यहाँ पर कोई भी मॉडल जो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जितनी भी जी सीरीज का जो फोन होता है, महंगा फोन होता है, वो सब जो यहाँ से FRP अनलॉक होता है। लेकिन इसके लिए आपको जो है रूट पैकेज फाइल जो है आपको एंड्रॉइड वर्जन 7.0 ये आपको डाउनलोड करना होगा। तो उस फाइल को डाउनलोड करने के लिए आपको मैं आपको दिखा दूँगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ डेस्कटॉप पे हमारे जो है रूट पैकेज फाइल है, ठीक है, सैमसंग मोबाइल का और एंड्रॉइड वर्जन 7.0 का, ठीक है। तो इस रूट पैकेज फाइल की डाउनलोड लिंक मैं आपको दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस फाइल को आपको डायरेक्टली जो है राइट क्लिक करना है और ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से कुछ आपको जो है यहाँ पे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, ठीक है। जब इस फाइल को आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे पूरी तरह से, उसके बाद जो है चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे आपको जो है FRP अनलॉक करना है जी सीरीज मॉडल का, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ फिर से जो है अल्टीमेट फ्लाशर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये जो सैमसंग FRP टूल है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे फिर से ओपन हो जाएगा। और उसके बाद चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे जो मॉडल नंबर शो नहीं कर रहा था ऑटो रूट में, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑटो रूट में मॉडल नंबर यहाँ पे शो नहीं कर रहा था। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी सारा मॉडल यहाँ पे जो है शो कर रहा है। तो हमें अभी जो FRP अनलॉक करना है तो जो S7 का, तो चलिए हम यहाँ पे S7 को यहाँ पे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं इस मॉडल नंबर को। और इस मॉडल नंबर को जैसे हम यहाँ पे अभी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें करना क्या है कि मोबाइल को अपने मोबाइल को जो है ऑन हालत में लगा देना है, ठीक है। सिर्फ मोबाइल को ऑन करना है और अपने कंप्यूटर में डाटा केबल से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो है सिर्फ सिंपली हमें यहाँ पे अप्लाई देना होगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे इसे अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे जैसे हमने अप्लाई किया और ये हमारा जो फोन जो है ऑटोमेटिकली जो यहाँ पे जो है रूट हो रहा है। और इसका जो ADB पोर्ट है वो ऑटोमेटिकली जो है इस रूट होने के बाद जो है वो ऑटोमेटिकली इनेबल हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फोन जो ऑटोमेटिकली रूट हो चुका है। उसके बाद जो है हमारा मोबाइल जो है ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे जो है जो क्या कहते हैं इसका ADB पोर्ट इनेबल हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि फिर से जो हम यहाँ पे ऊपर में जो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और रिफ्रेश करने के बाद उसका ADB पोर्ट यहाँ पे अभी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा फोन जो है रिस्टार्ट हो चुका है। उसके बाद जो है ये फोन जो है ऑटोमेटिकली अभी जो है ऑन होगा जो, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ADB पोर्ट ये बना देगा, ठीक है। जैसे ये ड्राइवर सब ले लेगा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, उसके बाद ये फोन जो है ADB पोर्ट में जो कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ ऊपर में रिफ्रेश एक बार कर देना है। उसके बाद हमें जो है FRP पे क्लिक करना है और FRP पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे यस कर देना है। उसके बाद हमारा मोबाइल जो यहाँ पे FRP रीसेट होगा। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि FRP जो है रीसेट हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूंगा कि मान के चलिए अगर आप UFD मेथड से अगर आप मोबाइल को FRP अनलॉक करना चाहते हैं सैमसंग मोबाइल को, ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि UFD मेथड जो हमने यहां पर सेलेक्ट किया है, ठीक है। और जैसे हम यहां पर UFD मेथड अभी सेलेक्ट करेंगे तो चलिए मैं आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। चलिए हमने यहाँ पे UFD मेथड यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे कोई भी जो मॉडल यहाँ पे शो नहीं कर रहा, ठीक है। तो इसके लिए होता क्या है कि FRP फाइल की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो UFD मेथड से जो FRP फाइल होती है वो फाइल जो है आपको डाउनलोड करनी होगी, तभी यहाँ पे जो है ये मॉडल जो है शो करेगा। तो इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करें। और अगर आपको इस आगे नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर आपको जानना है कि UFD मेथड से FRP कैसे अनलॉक होगा सैमसंग मोबाइल का UMD डोंगल से, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेते। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।